बिस्मिल्लाहिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नसरीन किचन एंड ब्लॉग्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, बचे हुए इडली से आज बनेंगे शाम का स्नैक्स आइटम। ये देखिए, सुबह इडली बने थे, ये बच गए थे। ये किस लिए बचे इडली वो भी बताऊंगी। ऐसे तो हमारे घर में रोज इडली नहीं बचती, जितना खाना है उतना ही बनाती मैं, ज़्यादा नहीं बनाती। आज सुबह क्या हुआ, मेरे हस्बैंड वॉकिंग को गए थे ना फ्रेंड्स के साथ, नाश्ता वहीं पे करके आए थे, ब्रेकफास्ट ही, उसलिए उनके हिस्से की इडली बच गई। उसलिए अब शाम में स्नैक्स बना के वो इडली उनको खिलाऊंगी मैं। ये देखिए, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, सिंपल और इजी स्नैक्स है ये बची हुई इडली से। अब देखिए, अब ये इडली को ले लेंगे, लेके दे देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे इसको। देखिए इस तरीके से, देखिए एकदम सॉफ्ट इडली बनी थी फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी आसानी से कट रही इडली। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सभी इडली को कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कट कर लीजिए, लंबे लंबे, आपको जो शेप चाहिए उस तरीके से कट कर लीजिए। ये देखिए, अब इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तेल गरम होने रख ली हूँ मैं। ये देखिए तेल गरम हो चुका है, अब एक एक इडली की इसमें तेल में डाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, जितने आते उतने डालेंगे। ये इडली फ्राई हुई है तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से फटाक से। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए फ्रेंड्स, इंशाल्लाह। अभी तक जो जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों सबको का दिल से शुक्रिया। ऐसे ही फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी बन के करिए फ्रेंड्स, अभी लेट हो चुका है बहुत। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छे से फ्राई होना है ये। देखिए माशाल्लाह, अच्छे से कलर आ चुका है, फर्स्ट एक राउंड फ्राई हो चुके थे, वो निकाल के दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। अब इसको भी निकाल लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स, इसको इसको निकाल लेके कड़े में जो भी तेल है वो कड़े को भी निकाल लेंगे पूरा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हरी मिर्ची, ये कड़ी पत्ता, ये बारीक कटी हुई लहसुन है। अब इस हरी मिर्ची को भी इसमें ही फ्राई करेंगे। इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, हरी मिर्ची हो चुकी है, अब इसको भी निकाल लेंगे। इसी में कड़ी पत्ता भी फ्राई करेंगे। पीछे से बंद कर, पत्ते को भी निकाल लेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी तेल निकाल लेके इसमें जस्ट थोड़ा सा आधा चम्मच तेल है उसमें, इसमें लहसुन डाल लेंगे इसको, बस हल्का सा थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको, ज़्यादा नहीं। देखिए अब इसी में डालेंगे, फ्राई करेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, कैसी आवाज़ है, एकदम करकरारे से बन गए हैं इडली। अब इसी में डालेंगे बाकी के मसाले, एकदम मीडियम पे रख लेना है। यस, इसी में डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, देखिए जस्ट एक आधा चम्मच, देखिए पौना चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये पौना चम्मच धनिया पाउडर, और इसी में डालेंगे एक आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
और इसी में डालेंगे थोड़ा सा नमक, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको देखिए मेरे में सब बाकी का एक कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची ये भी इसमें ही डाल के मिक्स कर देंगे। एकदम ऐसा स्नैक्स बन के तैयार है हमारा, एकदम सिंपल। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लेट में निकाल लेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बचे हुई इडली का स्नैक्स माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है एकदम। खा के बताओ जी कैसा बना? सुबह आप नाश्ता नहीं करे थे ना, आपके इडली का छे मेरे बचे थे। माशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी है। मैं समझाना इडली का है बोल के मैं सुबह बाहर खा लिया था नाश्ता। सुबह वड़े ही इडली बने थे ना? सुबह इडली एंड वड़ा दो भी बने हुए थे, लेकिन मैं दोस्तों के साथ नाश्ता बाहर किया था। सुबह वॉकिंग के लिए गया था, वहीं पे कर लेना पड़ा मुझे। तो मेरे हिस्से के इडली ऐसा बना के दे दिए। देखो स्नैक्स बेहतरीन है, एकदम क्रंची और थोड़ा स्पाइसी भी है, बहुत अच्छे है। सिंपल है फ्रेंड्स, सुबह में नाश्ता कर लेने का बचे ही इडली से, शाम में बच्चों को इस तरीके से स्नैक्स बना के देंगे तो अच्छे से खा लेंगे। ये देखने में लग भी नहीं रहा है कि ये इडली है जी। हाँ, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ट्राई कीजिए। सिंपल से छोटे छोटे टिप्स आपको दिखाते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, खा रहे तो आवाज कैसी आ रही है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बने इंशाल्लाह। चलिए फ्रेंड्स, आज का रेसिपी और ब्लॉग इतना ही है, और मेरा ये स्नैक्स का रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए और देखने के बाद एक लाइक जरूर कीजिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ या अगले ब्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।